हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल बिस्टन भाई में। मैं हूँ आपका होस्ट शारुल और आप देख रहे हो बिस्टन भाई चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग यार, उम्मीद करता हूँ बहुत 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 ही अच्छे होंगे। और गाइस ये बहुत ही अच्छा खुशखबरी है कि आपको अभी सीजन 17 का इलाइट पास का भी रिव्यू देखने को मिलने वाला है। तो गाइस पूरा वीडियो को अंत तक देखना। तो मैं बताने वाला हूँ आज इलाइट पास 17 के बारे में पूरा रिव्यू देने वाला हूँ फुल एकदम। वीडियो को पूरा अंत तक देखना क्या क्या है इसमें और क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये भी बता दूंगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक 15 और 16 ख़त्म नहीं हुआ, 17 भी आ गया। तो यार कुछ लीकेज हुआ है जिसके कारण 17 भी रिलीज हो चुका है, मतलब रिव्यू देने के लिए निकल चुका है। तो मैं पूरा रिव्यू देने वाला हूँ, वीडियो को पूरा अंत तक देखना और आपको लेना चाहिए और इसमें क्या क्या है वो भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो बात कर लेता हूँ पहला स्टार्टिंग में, जैकेट जो है वो भी बहुत ही मस्त है। और बैनर के बारे में बात करूँ तो जो लोगो है वो भी थोड़ा अच्छा सा एकदम प्यारा सा लोगो है। और देखा जाए तो यहाँ पे आपको गन का स्किन, ये जो गन स्किन मुझे इसका नाम नहीं पता, M60 जो गन है उसका स्किन आपको मिलने वाला है, ठीक है, परमानेंट एंड डायमंड वाउचर। और M16 जो ये क्या कहते हैं स्किन आपको मिलेगा वो एकदम इसके तरह ही मिलेगा, एकदम थोड़ा ज़बरदस्त अच्छा खासा ही मिलेगा। एंड यहाँ पे रहा पैराशूट भी आपको सही तरीके से मिल जाएगा, एक अच्छा डिजाइन वाला पैराशूट मिल जाएगा। एंड बता दूं गाइस ये 17 इलाइट पास है, आप गलती से 16 मत सोचना, 16 का मैंने बता दिया आपको, आपने देख लिया होगा। तो ये 17 है इलाइट पास सीजन 17 का। तो इसमें बहुत अच्छे से ड्रेस है यार, वीडियो को पुरान तक देखना, ड्रेस भी एकदम मस्त ड्रेस है। मुझे तो लगा तो ये मतलब 16 लूँ या ना लूँ मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ 17 तो मुझे लेना पड़ेगा जैसे भी करके, ठीक है। तो यहाँ पे बैनर और लोगो भी देख सकते हो, भैंसे का सिंह है, सिंह दिया हुआ मतलब ये है। एंड फीमेल का जो बंडल है ना, मुझे यार कसम से एकदम धांसू लगा है, काउबॉय की तरह है। मैं इसे काउबॉय बोलूँगा, आपको जो बोलना है बोल सकते हो, लेकिन मुझे काउबॉय की तरह ही जैसे लग रहा है। और बाउंटी टोकन, और ये रहा फीमेल का ड्रेस, ठीक है। सो फीमेल का ड्रेस बता देता हूँ, ये रहा फीमेल का, भाई फीमेल का ड्रेस ना एकदम मस्त है यार, एकदम धांसू है। अगर आप मतलब इलाइट पास लेते हो ना तो इस बार का जरूर, इस बार का लो या ना लो, लेकिन हाँ 17 का ज़रूर लेना। इसका डिज़ाइन देखो आप, काउबॉय की तरह है, मैं इसको काउबॉय बोलूँगा, आपको जो बोलना है बोल सकते हो। इसका हेड का जो ये टोपी का जो स्टार है ना वो बहुत अच्छे से चमक रहा है। एंड वाइट कपड़ा बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, ऑलमोस्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड यहाँ का ड्रेस की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा ड्रेस है ये, मतलब पहले ऐसा डेकोरेशन कभी हुआ नहीं है फ्री फायर गरीना में जो भी ड्रेस आया होगा, बट ये थोड़ा अलग यूनिक टाइप से है, बट थोड़ा अच्छा से बनाया गया है। अगर आपने 16 और 15 देखा होगा तो इसमें तो इतना भी डेकोरेशन किया नहीं गया है, लेकिन हाँ 17 को थोड़ा और इम्प्रूव किया गया है, देखा जाए तो थोड़ा और इम्प्रूव किया गया है। एंड लगभग गरीना हर चीज़ को ना देख देख के मतलब अभी परख रहा है, देख रहा है, क्योंकि गेम भी इतना ऊपर उठ चुका है और हर चीज़ को लोग देख के मतलब बहुत ही बारीकी से देख के बना रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अभी गेम अभी पूरा ट्रेंडिंग में बता सकते हो। पबजी के बाद अगर कोई गेम आता है तो फ्री फायर ही आता है, तो पबजी के बाद अगर कोई गेम आता है तो फ्री फायर का ही नाम आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए गरीना पूरा उस चीज़ को एक एक बारीकी से देख के बना रहा है, ठीक है। तो ये रहा फीमेल का ड्रेस, फीमेल का ड्रेस इतना भी बुरा नहीं है, बहुत ही मस्त है। एंड देखा जाए तो यहाँ पे आपको बाउंटी टोकन और सॉरी डायमंड वाउचर और गोल्ड और ये एबिलिटी, अभी नया जो कैरेक्टर आया उसका एबिलिटी मिल जाएगा 100। एंड कार 98 का आपको परमानेंट स्किन मिलेगा, ठीक है। इसका डैमेज वैमेज नहीं होगा शायद, एकदम नॉर्मल सा, हाँ। लेकिन हाँ एक गन के साथ एक मतलब एक अगर इलाइट पास ले रहे हो ना उसके साथ जो कॉम्बो मिल रहा है ना बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। कार 98 का भी एक स्किन मिल रहा है, फिर डायमंड वाउचर और पेट फूड भी मिल रहा है और ये ड्रेस भी मिल रहा है, ठीक है। तो ड्रेस भी अच्छा है। अगर आपने सीजन 2 इलाइट पास अगर देखा होगा, मेरे पास है सीजन 2 का, तो उसके साथ कुछ कुछ इसमें मतलब कलर मैच हो रहा है, जैसे मतलब राजा और रानी का है, क्वीन और किंग का है, मेरे पास है वो ड्रेस, वो इलाइट पास मैंने लिया था, तो उससे थोड़ा बहुत मैच हो रहा है। लेकिन हाँ ये काउबॉय की तरह ही है, मतलब आप मुझे कमेंट में बताना कि ये काउबॉय है या कुछ और, ठीक है, क्योंकि मेरा इतना आइडिया नहीं है। एंड यहाँ पे ड्रेस देखा जाए तो ड्रेस हर कोई चीज़ ड्रेस को अच्छे से देख के बनाया गया है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ गरीना अभी चाहता है कि अपना जो सामान है वो थोड़ा मतलब हाईफाई हो, दूसरे गेम से ना मतलब थोड़ा हाईफाई हो, हर चीज़ से मतलब कॉम्बिनेशन ना सही बनाया जाए। तो फिर भी गरीना ना एक अच्छा मतलब एक डिसाइड किया है कि नहीं, कम से कम अभी जो दे रहे हैं ना उसको थोड़ा अच्छे से दे, इतना सारा डायमंड खर्चा हो रहा है तो कम से कम जो भी ले ना थोड़ा लेने के बाद ना सोचे कि नहीं गलत नहीं मिला, अच्छा चीज़ मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे स्केटबोर्ड सर्फ बोर्ड देखा जाए तो सर्फ बोर्ड भी इतना भी ये नहीं है, बुरा नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत इस बार चेंजेस किया गया है, देख सकते हो इसमें थोड़ा कलरफुल भी है और कलरिंग का कलर निकल रहा है, आग नहीं निकल रहा, कलर निकल रहा है। एंड कुछ नया करेक्टर का कुछ फ्रेगमेंट्स 100 फ्रेगमेंट्स। एंड लोगों की बात की जाए और एक लोगो आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन हाँ सर्फबोर्ड की बात करें तो सर्फबोर्ड इतना भी मतलब कॉस्टली नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से इसके साथ सही है, मैच हो रहा है। और ये रहा आपका
लोगो और लोगो भी देखा जाए तो आई होप इन फ्यूचर आपको लोगो के साथ कुछ और भी ऑप्शन देखने को मिले, जैसे कि पबजी में कोई अगर गेम खेलता है तो आप उसको एक्सेप्टेड कर सकते हो, मतलब उसका गेम देख सकते हो, तो कुछ इन फ्यूचर ऐसा अपडेट आ चुका है। स्ट्रीम उधर कुछ लिखा होगा, स्ट्रीम बोल के वो आपका ऑप्शन दिया गया है, तो जो भी बंदा खेलता है आप उनको देख सकते हो कि कैसे खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत पहले ही अपडेट निकल चुका था लेकिन हाँ हमको देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ अभी से शायद वो चीज़ भी शुरू हो जाए, जैसे पबजी में कोई भी गेम खेलता है तो आप उसको देख सकते हो। हाँ इन फ्यूचर फ्री फायर में भी ऐसा ही होगा। लूट बॉक्स की बात करें तो लूट बॉक्स एकदम धासु है भाई, एकदम प्यारा सा, एकदम मतलब जो भी देखे ना दूर से नहीं इधर कोई मरा हुआ है, ठीक है, तो एकदम धासु है, आप टेंशन मत करो, मतलब आपको मतलब लेना जरूर है, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से ये वाला इलाइट पास ना अगर आपने मिस किया तो बहुत 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 ये होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये आपको लेना चाहिए, 17 इलाइट पास है, सीजन 17 का है। एंड और एक सर्फबोर्ड की बात की जाए, सर्फबोर्ड ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब आसमान में रहते हैं तो तभी ये दिखता है ना, उसके बाद तो नहीं दिखता है, उतरने के बाद तो गायब भी हो जाता है, उतरने से पैराशूट खोलते ही गायब हो जाता है, ठीक है। एंड रही बात, ये अच्छा है क्योंकि इतना भी बुरा नहीं है। और इमोट की बात करें, इस बार इमोट जो दिया गया है 17 में, वो क्या था वो उसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अभी दिखा देता हूँ, यहाँ से देखने से पता चल जाएगा। सर्फबोर्ड की बात करो, सर्फबोर्ड दोनों में ज़्यादा कॉम्बिनेशन मतलब ये नहीं है, चेंजेस नहीं है, थोड़ा एक जैसा ही है, बट इसका कलर थोड़ा चेंज है एंड उसका कलर थोड़ा चेंज है, ठीक है। एंड इमोट की बात कर लेते हैं, चलो ये इमोट है अभी किक मारने वाला इमोट, दो हाथ उठा के किक मारने वाला इमोट, ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा एकदम परमानेंट, हाँ आपको पता ही होगा परमानेंट मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये आपको मिल जाएगा। और एक गोल्ड स्टोन, तो ठीक है ये भी मिल जाएगा, बाउंटी टूगन और बॉनफायर और 100 डिस्काउंट कूपन और बैकपैक, ठीक है। बैकपैक का भी देखो तो यहाँ पे बैकपैक एकदम कलरिंग ये है, बस नॉर्मल सा बैकपैक है, लेकिन और एक चीज़ आपने अगर नोट किया होगा गरीना, अगर एक इलाइट पास का बैकपैक लास्ट में दे रहा है तो एक इलाइट पास का बैग बेजिस में दे रहा है, तो जो लाइट पास ले रहे हैं उनको मिल रहा है कभी कभार, और जो नहीं ले रहे हैं उनको मिल रहा है, तो इस बार का जो नहीं लेंगे लाइट पास उनको भी बैकपैक मिलेगा। और ये बैकपैक ना एकदम धासु है भाई, एकदम प्यारा सा, एकदम मस्त सा बैकपैक है, ठीक है, वो मैं दिखा दूंगा अभी, ठीक है, तो वो देख लेना कि ये मतलब इतना अच्छा है ना मैं बता नहीं सकता, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मुझे लगता है अगर आप इलाइट पास नहीं लेते ना बैग लेके आप खुश हो जाओगे, बहुत ही अच्छा बैकपैक है। एंड यहाँ पे बात करें, यहाँ आपको ये नया कैरेक्टर का फ्रेगमेंट्स मिल जाएगा कुछ, ठीक है, 100 फ्रेगमेंट्स मिल जाएगा और डायमंड गोल्ड वाउचर मिल जाएगा और कैरेक्टर अपडेट करने का और ये मिल जाएगा, ठीक है, क्या कहते हैं, कैरेक्टर अपडेट करने का कार्ड मिल जाएगा और बॉनफायर मिल जाएगा और पेट फूड मिल जाएगा, ठीक है। और फ्रेगमेंट्स आपको तो मिल रहा है 100 के 100, और यहाँ पे बाउंड्री टोकन भी मिल जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हो आपका जो बैग मैंने बोला था ये, तो बैकपैक आपको बिना इलाइट पास का ही मिल जाएगा, जो लोग इलाइट पास नहीं ले रहे उनको भी मिल जाएगा, लेकिन हाँ आपको बेजेस 225 बेजेस कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये बैकपैक मिल जाएगा, ठीक है। बैकपैक की बात करो तो भाई क्या बोलूँ, इतना मस्त लग रहा है ना कसम से, बहुत ही दास हुए, देखो भाई मुझे तो चाहिए चाहिए भाई, देखो इलाइट पास ना लो ना तब भी अगर ये मिले ना तो खुश हो जाऊँगा यार। और आप लोग ना सोचो इलाइट पास लोगे तो और कितना अच्छा होगा, मतलब बहुत ही धासु इलाइट पास है 17 का, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि ये लेने की ट्राई करो, आपके पास डायमंड नहीं है तो अभी से सेफ मतलब सेफ्टी करके रखो, आगे जाके आपको लेना चाहते तो देख के ले लेना। एंड ये कंफर्म है, कोई इसमें फेक न्यूज़ नहीं है, ये पूरा 100% रियल है कि ये इलाइट पास 17 का है, और मैंने जो परसों जो वीडियो डाला था वो 16 का है, ठीक है, तो ये इलाइट पास 17 का है, गलत से मत सोचना कि 16 बोल रहा हूँ, ठीक है, ये 17 है, 17 सीजन का इलाइट पास है, ठीक है। तो बैक पे क्या एकदम धासु है, प्यारा सा, एक लेवल से लेके दो लेवल तीन लेवल तक, ठीक है, तो एकदम मस्त सा है, अगर आपने वो देखा होगा तो वो बहुत ही अच्छा है। और अगर ड्रेस की बात कर ले, मेल का ड्रेस भाई धासु, एकदम आग लगाने वाला ड्रेस है, अगर आप लगा के उतर जाए ना एकदम बहुत ही धासु है, देखो ना सोने की कलर, मतलब गोल्ड कलर एंड वाइट कलर, बहुत ही यार एकदम मतलब मेरे लेवल से ऊपर है। तो अगर आपको लेना चाहते हो, अगर आपको बहुत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अभी से डायमंड बचा के रखो, इन फ्यूचर आने के बाद आप इसको ज़रूर लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से ये लोगे तो आपको बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, नहीं यार मैंने लेके बहुत अच्छा काम किया है। एंड इसका अगर बात करो तो गोल्डन कलर का है, गोल्डन एंड वाइट मुझे बहुत पसंद है यार, इसका जो कॉम्बिनेशन ना गरीना जो बनाया अभी तक, वाइट एंड गोल्डन बस एक ही ड्रेस आया था, वो है सीजन 2 का जो मेरे पास है, एंड ये तो ठीक है, तो सीजन 17 और सीजन 2 का साथ ये कॉम्बिनेशन सही है, तो मेरे पास है वो, मैंने अभी नेक्स्ट वीडियो में कभी दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये आपको अगर लेना चाहते हो तो ज़रूर ट्राई करना, अगर डायमंड है तो आपके पास कोशिश करना कि लेने के लिए, और मुझे भी लग रहा है मैं भी कोशिश करूँगा लेने के लिए, मेरे पास अभी डायमंड नहीं है, लेकिन हाँ मैं कलेक्ट करके रखूँगा कि आगे ले पाऊँ, ठीक है।
तो आई होप कि वीडियो बहुत पसंद आया आपको। अगर पसंद नहीं आया तो फिर भी यार लाइक करना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उन लोगों को पता चले। एंड मेरे चैनल पर नए होना प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने का ना बेल आइकन अलर्ट पर रखना, क्योंकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालू ना तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और तुरंत देख पाओ। एंड बहुत लोगों को पस पता चलता नहीं है, ठीक है। तो मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में नया कुछ टॉपिक लेके। आई सी इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, गुड बाय। ना गली से ना मोहल्ले से मैं निकला हूँ सड़क से, मामा की दादागिरी ऊपर भड़क के हम पे फिर भी छोड़ा ना दौड़ा रुला, क्यों क्यों पाला पड़ा तेरा सड़क से भटके जो लेते झड़प पैदल हटा वट्टा ऊपर से नीचे से पीछे से देखे तू बहुत गलत किया तूने। हाँ थार, भो थार, क्या?